हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। एक्चुअली ये सेम डे ही है जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मैंने बताया भी था आप लोगों को। अभी बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, शाम का टाइम है, मेरे बर्थडे डिनर के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो बस अभी हम वहाँ जाएंगे, बर्थडे डिनर करेंगे। मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ। पहले मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ, मैंने आज क्या पहना है। मैंने पहनी है ये ड्रेस जो कि मैंने ली थी कोड से। ये इसमें थोड़ा सा शिमर भी है, थोड़ी शाइनी शाइनी सी। इसके साथ मैंने ये ब्लैक कलर की हील्स पहनी है। हमारा रूम भी काफ़ी मैसी हो चुका है, और तो मेरी बेबी की भी थोड़ी सी हल्की सी तबीयत ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली तबीयत ख़राब नहीं, बस ज़रा सा नोज़ में इन्फेक्शन हुआ है। हम बस अभी डिनर के लिए निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं डिनर करेंगे। एक्चुअली होटल पूरा बुकड है, बट इतना साइलेंस है लॉबी में कि बोलने में भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है, ठीक है। ज़्यादा साउंड तो नहीं आ रही, इवन मेरे फुटवेयर की ज़्यादा साउंड आ रही है। एक्चुअली हम सो फुल। एक्चुअली डिनर अच्छा भी था, और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा लिया, तो थोड़ा सा हैवी हो गया है मेरे को, बट बहुत ही अच्छी नाइट थी, बहुत ही मज़ा आया, सो हैप्पी। बस अभी हम कपड़े चेंज करेंगे, और बहुत थक गई मैं। एक्चुअली सुबह से जर्नी चल रही थी, फिर हम थोड़ा घूमे भी थे, तो भी काफ़ी मैं थक गई हूँ। मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज है मेरा बर्थडे, और मैं जस्ट अभी 8 बज रहे हैं, तो मैं जस्ट अभी सो के ही उठी हूँ। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग हनी, एंड आपको हैप्पी बर्थडे। भगवान मेरे बच्चे को हमेशा बहुत ज़्यादा खुश और मज़े में रखे। थैंक यू सो मच। अभी सबसे पहले पियेंगे हम गर्म पानी। एक्चुअली रात को तो कुछ खाया था, तो उसके लिए गर्म पानी तो सुबह सुबह पीना पड़ेगा। मैं रात को भी गर्म पानी पी के सोई हूँ। चलिए मैं पहले आपको बाहर दिखाती हूँ कि बाहर मौसम कैसा है। बाहर आज निकली है धूप, अच्छा सा सनी सा डे है, फुल साइड भी कोई नहीं अभी तो। कैसी रही आपकी नाइट? नाइट वाज गुड, फैंटास्टिक। जब आप मेरे साथ हो करीब बहुत हर चीज़ अच्छी रहती है। एक्चुअली रात को तो एक बार जान चुके थे, मतलब ठंड सी लग रही थी। आप कितने बजे उठे थे बेबी? आई वोक अप एट 5 o'clock। हाँ, 5 o'clock के तो जान चुके थे, ठंड लग रही थी, और उनको थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम हो रहा था। मे बी क्योंकि वो एसी बहुत तेज चल रहा था। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग मैं रात को एसी बंद करके सोई हूँ, बट आई डोंट नो कैसे चल रहा था सुबह। और फिर मैं उठी, एसी दोबारा से बंद किया, मैंने उसको फिर ही डाला, बट पता नहीं ये एसी का क्या इशू है, ये जैसे मैं कहती हूँ ये वैसे चलता ही नहीं है। हम दोनों बेबीज रेडी हो चुके हैं। मैंने पहनी है आज ये वाली ड्रेस जो कि मैंने 2-3 इयर्स बैक खरीदी थी, और ये वाले शूज, और मेरी बेबी ने मेरे को मैचिंग की टी शर्ट पहनी है। मैचिंग। यस, चलो तो रेडी। अभी जस्ट हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है, और ब्रेकफास्ट भी थोड़ी देर में बंद भी हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है। तो हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने।
आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो है ये मसाला टी काउंटर, और उसके बाद है जूस काउंटर, जहाँ पे वाटरमेलन क्रैनबेरी जूस मिल रहा था और कोल्ड कॉफ़ी मिल रही थी। ये कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही यम थी। और इस तरफ है कुछ फ्रूट्स और सैलड सेक्शन, जिसमें कि फ्रूट्स थे और साथ में क्रीम थी, आप उसके साथ ले सकते हैं। एंड ये है कॉर्नफ्लेक्स सेक्शन, जिसमें थी कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क भी था, आप वो ऐड कर सकते हैं। एंड ये आ गया है मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, ब्रेड सेक्शन। एक्चुअली यहाँ पे थे मफिन्स, थे ब्रेड्स, थी क्रोसोंट्स, थे स्वीट ब्रेड, थी अलग अलग टाइप की ब्रेड्स थी। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये काउंटर। इस सेक्शन में मिल रही है कुछ स्टीम्ड वेजीज, हलवा है, एंड इवन सीजन पोटैटोज है, उपमा है। ये देखिए हलवा, ये था सूजी का हलवा था। और यहाँ पे सब टाइप का ब्रेकफास्ट है, जैसे कि साउथ इंडियंस के लिए इडली डोसा है, एंड अपना देसी स्टाइल पूरी छोले भी हैं, आलू के पराठे भी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पराठास थे। और ये इस काउंटर पे है सब नॉन वेज सेक्शन, मतलब सॉसेस थी और एक दो चिकन की डिशेस और थी। यहाँ पे बन रहे हैं लाइव, ये लाइव काउंटर है जिस पे ऑमलेट बन रहा है। आप कोई भी टाइप की एग डिश ले सकते हैं, यहाँ पे वेजीज भी थी, आप वो भी ऐड करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसे भी चाहिए। और यहाँ पे मिल रहे थे पैनकेक एंड वेफल्स भी मिल रहे थे, आप वो भी ले सकते हो अपनी चॉइस से और अपनी पसंद की टॉपिंग के साथ। ये है लाइव डोसा काउंटर विद सांबर। चलिए अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे आने में, तो अभी खाली ही है, ज़्यादा लोग है भी नहीं। और चलिए अभी मैं भी शुरू करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। अभी हमारा फाइनली टाइम हो चुका है चेकआउट करने का, और हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं। दिव्यांशु एक्चुअली कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी थी, वही सारी कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने एक्चुअली प्रॉपर्टी टूर नहीं दिया था अभी तक, तो मैं सोचा कि वही दे देती हूँ आपको। ये है हमारा स्विमिंग पूल एरिया था, जहाँ पर हमने अभी एक्चुअली कोविड चल रहा है तो स्विमिंग पूल से एरिया तो बंद हो चुका है, तो रात को यहाँ पर सामने ही यहाँ पर बार था, वहाँ पर थोड़ी सी सिटिंग है, और उस साइड से एक्चुअली एंट्री थी जो क्लोज्ड कर रखी है। और सामने जो ये ब्लू कलर के डोर्स हैं, वहाँ पे था हमारा रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था और डिनर किया था। और थोड़ा सा एक्चुअली अभी बहुत तेज़ धूप है, तो मैं ज़्यादा अंदर जाऊँगी नहीं। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा और एरिया है, वहाँ पे पीछे चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। एक्चुअली अभी बहुत तेज़ धूप है, तो मैं बाहर जाना नहीं चाह रही। और ऊपर वहाँ पे जिसकी विंडो खुली हुई है, वहाँ पे हमारा रूम था। बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल के हम पहले जाएंगे, एक गुरुद्वारा है और एक दो स्पॉट और हैं, वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे ताजमहल। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम जो ताजमहल देखा था वो मॉर्निंग व्यू में देखा था, गोल्डन आवर में, और उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे है, तो जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। एक्चुअली मॉर्निंग में वो इतना खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी इस बार सोचा कि हम डे टाइम में जाएंगे, पहले सुबह सोचा था एक बार ही कि मॉर्निंग में ही चले जाएँ, बट एक बार हम वो व्यू देख चुके हैं तो सोचा कि नहीं, इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। तो हम इस बार शाम को, ऑलमोस्ट शाम ही हो जाएगी जब तक हम जाएंगे, तो हम शाम को जाएंगे, वो देखेंगे ताजमहल। ये है होटल लॉबी जहाँ से हमने एंट्री की थी। एक्चुअली अभी तो इसको ये फाउंटेन को क्लीन कर दिया है, और सुबह तो इसमें फ्लावर्स भी थे। ये हूँ मैं, सामने वो हॉल है। एक्चुअली वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था कल, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डाइनिंग थी। और ये है एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप, इन हाउस कॉफ़ी शॉप, क्यूट सी। बस हम अपनी कार पार्क करने ही जा रहे हैं। एक्चुअली गाड़ी आने में टाइम लग रहा था, और हमारी कार आ भी गई थी इधर ही, हमने थोड़ा पीछे ही बुलवा ली थी। आराम से अपना सामान रखेंगे, सेटल होंगे, एंड बाय बाय टू दिस लवली प्रॉपर्टी। एक्चुअली सुबह से रूम में ही थे, एसी में ही थे, तो इतना गर्मी का पता नहीं चला। तो अब भी लेकिन बाहर आए तो भाई गर्मी के इतने चटके लग रहे हैं। तो आपका क्या कहना है स्टे के बारे में? हमें बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। ये मेरी बेबी का ही सरप्राइज था मेरे लिए।
हमने सबसे पहले स्पॉट किया है, ये है टूम ऑफ मरियम उल जमानी, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं जो कि थी जोधाबाई, तो ये उनकी टूम है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये वाला स्पेस बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही साफ़ सुथरी, क्लीन, ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है। एक्चुअली लास्ट टाइम हम आगरा के मोस्ट मतलब जो फेमस जगह थी सारी रिकवर कर चुके हैं, तो इसलिए हम इस बारी जो भाई हिडन प्लेसेस हैं या जो सुंदर जगह है जो हमने लास्ट टाइम नहीं देखी थी, तो हम सिर्फ वही सारी जगह ही करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्पॉट यही था, यहाँ हमने अच्छे से फ़ोटोज़ खिंचवाए, ये देखी जगह फुल दिल्ली आगरा हाईवे पर। तो बस अभी हमने यहाँ पे फोटोज क्लिक किए हैं, बहुत अच्छी लगी ये जगह। आप कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करते हैं सबको पसंद आई होगी। थोड़ी देर पहले देखी थी हमने जोधा की टॉम, और अभी देख रहे हैं हम अकबर की टूम, जिसका मेन एंट्री गेट ये है, जो कि थोड़ा बहुत ताज जैसा दिखता है। मतलब इन्होंने ताज के जो फ्रंट वाला गेट है, मेन एंट्री गेट, उसकी रेप्लिका बनाया हुआ है, और उसके जो मीनार्स हैं फोर, उनको भी लिया हुआ है, और उसके सामने ही ये वो सेक्शन है जहाँ पे अकबर की टूम है। और डियर्स भी हैं, मे भी दिख रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पे डियर्स भी है। और एक्चुअली वेदर आज ये है कि कभी गर्मी हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाता है, तो जैसे जैसे बादल आते हैं, थोड़ी छाया होती है, हम ये जो धूप वाला रास्ता है फटाक से भाग के लिए कवर कर लेते हैं, और जैसे ही धूप आती है फिर अपना अंदर छाया में खड़े हो जाते हैं। मतलब इन जगहों पर इतनी सुंदरता है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये, और इवन पता है चाहे बाहर कितनी भी तेज़ धूप है, आप उसके अंदर खड़े होकर देखो, आपको इतनी ठंडी हवा फील करती है, मतलब फील होती है, इतनी ठंडी हवा लगती है कि आप आज के ज़माने का कोई भी एसी फील कर सकते हो। मतलब इनका आर्किटेक्चर को तो मतलब आप कहीं से भी कम्पीट ही नहीं कर सकते। सीरियसली कितनी खूबसूरत जगह है, और सराउंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वैसे आगरा मतलब हमको जगह घूमने में बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब इतनी सुंदर जगह हैं, बहुत अच्छी जगह है, बट वही बात है ट्रैफिक ने सारा मजा स्पॉइल कर दिया, और थोड़ी धूप भी ज़्यादा थी, गर्मी लग रही थी, तो उसकी वजह से ही थोड़ा हमको हो गया, इसीलिए हमने ताज का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि अभी इतना एक्चुअली बहुत सारी जगह घूमे थे, और पूरे आगरा सिटी में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हम परेशान हो गए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम ताजमहल का प्रोग्राम कैंसिल ही करते हैं। वैसे भी हम दोनों ने साथ में देखा था, हम सब जगह साथ में ही घूमते हैं, तो इसलिए लास्ट टाइम हम दोनों ने साथ में देखा था, तो हमने सोचा कि चलिए इस बारी कैंसिल करते हैं, क्योंकि वो सिटी के दूसरी साइड पड़ रहा था ताजमहल हमको, और क्योंकि अभी आगरा में हर जगह मेट्रो का काम शुरू हो रखा है और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो पूरी सिटी में ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि बहुत टायरिंग हो गया था, और फिर धूप में जगह पे घूमना भी था, तो इसके लिए हमने सोचा कि हम इसको कैंसिल करते हैं। अभी बस हम घर के लिए निकले हैं, अभी यहाँ से हमको 230 किलोमीटर है ना शायद, जहाँ से हम निकले थे वहाँ से 230 तक भी 215 किलोमीटर बचा हुआ है, बस 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे। Now there has been slight change in the driving position. ये आप देख सकते हैं जो ड्राइवर है वो बदल चुका है। Yes. ये मेरी जो दीदी है मेरी जाने वाली। हमको इस ड्राइवर पे भरोसा नहीं था, इसलिए हमने ड्राइवर चेंज। इनको हमारी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है। अभी मैं जल्दी से घर पहुंचा दूंगी। ठीक है, ये फास्ट एंड फ्यूरियस फास्ट ड्राइवर है, मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ आराम से। हड़बड़ी क्या है, जिंदगी बहुत बड़ी है आराम से, बट ये फास्ट बच्चे, ये फास्ट एंड फ्यूरियस यूथ है ये। जी नहीं, ऐसी
कोई बात नहीं है, हमने सोचा थोड़ा सा, एक्चुअली अभी अपने वॉशरूम ब्रेक लिया था तो हमने सोचा कि थोड़ा सा दीवान चौक भी आराम हो जाएगा और मैं भी थोड़ा सा चला लूंगी और वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि मुझे ड्राइविंग आती है और मैं ड्राइव कर सकती हूँ। मेरे ब्रो को आती है इसमें कोई शक? यस, तो बस उसी के लिए हमने सोचा कि हम थोड़ा सा भी मैं हेल्प कर देती हूँ दीवान चौक की, क्योंकि काफी देर से वही चला रहे थे। अभी ऐसे ज्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है, जस्ट 100 किलोमीटर ही बचा है। ये मैं दिखा देता हूँ, देखिए इट्स अराउंड 87 किलोमीटर बचा हुआ है, जिसका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है बता रहा है कि 6:30 बजे तक। अभी मेरा ड्राइविंग पार्ट तो फिनिश हो चुका है, तो अभी हम बस ड्राइवर चेंज ही कर रहे थे, हमारे ड्राइवर जी चेंज हो रहे हैं। एक्चुअली मैं ये दिखाने के लिए रुकी हूँ, हम गाड़ी में अंदर बैठे होते थे ऐसा लगता है कि गाड़ी स्पीड में चली नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी फास्ट गाड़ियाँ जा रही होती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही होती है तो ऐसा फील होता है गाड़ी तो चल ही नहीं रही। बट अभी जैसे गाड़ी से आप बाहर निकल के आते हो, साउंड सुनते हो, इतनी लाउड लाउड मतलब आवाज़ें आ रही होती है कि गाड़ी ऐसे चू चू करके जा रही होती है। अभी कोई आएगी तो आपको दिखेगी कि मैं समझ में आ रही हूँ। दिल्ली तो हम पहुंच गए हैं, अभी हो रहे हैं 6:30 और हमारे घर वैसे तो बहुत थोड़ी सी दूर ही बचा हुआ है, बट क्योंकि अभी शाम के टाइम हम दिल्ली में आए तो शाम के टाइम तो ट्रैफिक में इतना बुरा हाल हो जाता है, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने के लिए। बस अभी काफ़ी थक गए हैं और अभी घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, इवन डिनर भी हम बाहर से ही ऑर्डर करने वाले हैं तो वही करेंगे। वैसे मेरे को ट्रिप बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच चीकू, आप लोगों का इतनी अच्छी ट्रिप करवाई, इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट था ये, और अभी तो मेरे और भी बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं मैंने बेबी ने, वो सब भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सब ने भी हमारी वीडियोस देखे, हमारी जर्नी देखी, हमारे साथ इस ट्रिप में पार्ट लिया। अभी जल्दी ही मिलते हैं हम आपको एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, मे बी इसके वीडियो के 1-2 दिन बाद ही आ जाएगा वो वाला वीडियो, क्योंकि एक हमने ऑलरेडी एक प्लान सरप्राइज है तो वही वीडियो आएगा इसके बाद। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके हमें बताइएगा।